का, इसका बाप है, 9 लोग पैदा किया, इतना आदमी को पैदा किया जाता है, है? आपने हट गया तब बड़बड़ है, कुछ नहीं है। आप बाल बच्चा तक खूबे बोलते रहता है, आप बीच में हम 2 बार बहुत समझाए थे कि क्या क्या करना, आ कोई काम किया था जी। आ वो लोग अगर मुस्लिम लोगों को लगेगा कि यही सब जब जो हम लोगों के खिलाफ है, अरे हमसे तो गलती हुआ 2 बार, हम तो 1995 से भाजपा के साथ है। अब 1 बार हम उन लोगों को साथ ले लिए, गड़बड़ हुआ तो आप जानते हैं कुछ ही समय के बाद हम छोड़ दिए, और फिर इनके साथ, और फिर 1 बार इधर, और फिर गड़बड़ देखा, हमने छोड़ दिया। और हमने तय कर दिया कि अब उन लोगों के साथ कभी नहीं रहेंगे, हमारा रिश्ता है भाजपा के साथ, हम लोग सब दिन एक साथ रहेंगे। अब इतना काम किया है तब आप समझिए, हम तो मुस्लिम लोगों को भी कहेंगे कि आपके लिए इतना काम किया गया और आपको लगता है कि वो सब धंधा करता है, अगर हम लोगों को इधर उधर करिएगा और ऐसे लोगों को लाइएगा फिर आपस में झगड़ा करवाते रहेगा, वो कोई काम किया है आज तक? किसी को नौकरी दिया है जी? आप बताइए, हम लोगों ने तो कितना किया काम किया, 7 निश्चय के तहत हम लोगों ने हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर बिजली, हर तरह से काम किया, कहां था उनके टाइम में? एक एक काम हम लोगों ने करवा दिया, सब परिवार के लिए सब तरह से काम करा दिया। और सरकारी नौकरी हम लोग कितना दिए, 2005 से 2020 में 8 लाख लोगों को नौकरी और लाखों लोगों को रोजगार। और 2020 में हम लोग और भाजपा वाले साथ थे, उसी समय हम लोगों ने तय किया 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। और आप जान लीजिए 4 लाख से ज्यादा हो गया है, 1 लाख का करीब करीब पूरा हो रहा है, 3 लाख का भी काम शुरू हो रहा है। और अगले साल जो चुनाव है हम लोगों का, उसके पहले विधानसभा वाला चुनाव के बारे में हम कह रहे हैं, अगली बार उसके पहले ही ये सब काम हो जाएगा, 10 लाख लोगों को नौकरी और 5 लाख लोगों को तो रोजगार अभी ये दे दिए हैं, और लोगों को रोजगार हो जाएगा, सब काम करेंगे। अभी लोग को साथ दिए थे, आजकल बोलता है कि हम लोग किया, अरे लोग किया है, फालतू बात है, क्या हाल है इस सबका? इसका बाप है, 9 लोग पैदा किया, इतना आदमी को पैदा किया जाता है, है? आपने हट गया तब बेटी को बनाया, अब बाद में बेटा बेटी उसी को इतना बनाते रहता है, कोई मतलब है? फालतू बात है, हम उसको मौका दिए थे, कोई करता था, पसंद करता था, जातियों वाला पसंद नहीं करता था, हम ही किए थे। अब बाद में देखे गड़बड़ करते हुए, तो आप जानते हैं ना कि हम लोग तो 1994 में ही अलग हो गए, अब बाद में ही लोग को मौका दिए तो फिर तो अलग कर दिए, सब गड़बड़ है, कुछ नहीं है। अब बाल बच्चा तक खूबे बोलते रहता है, अब बीच में हम 2 बार बहुत समझाए थे कि क्या क्या करना चाहिए, देखा कोई नहीं कुछ काम करता, अब ऐसे ही बोलते रहता। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि लोग कोई काम नहीं किया, आई सब काम हम लोगों ने करवाया, और एक एक तरह से, सब तरह से, हर प्रकार से, हर तरह से काम किया गया है। और आपको मालूम है ना कि आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण, बिहार में पुलिस में 30,000 से भी ज्यादा महिलाएं हैं, इस देश के किसी राज्य में उतना ज्यादा नहीं, अब बाकी सब में 35% हम लोगों ने आरक्षण किया है। आज जाति आधारित गणना पर ही सब कोई कोई बोल देता है, अरे जाति आधारित गणना के लिए तो कितना काम हम लोग करवाए थे, अभी तो हमको लगता था कि विजय बाबू कुछ बोलेंगे, तई तो अभी कुछ बोलवे नहीं करते, तो याद करिए कि कितना ज्यादा हम लोग 19 में 20 में सबके बीच में कहते थे कि करना चाहिए, और बाद में हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। और आप जानते हैं जाति आधारित गणना कराया था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसकी संख्या ज्यादा थी तो 50% को बढ़ा के 65% कर दिया, और सामान्य वर्ग का 10% है, दोनों मिला के 75% हो गया। और खाली उतना ही नहीं किया हमने, साथ साथ यही किया था कि जाति आधारित गणना के साथ साथ हर